बचपन से हमें कार्टून देखना कितना ज्यादा पसंद है ये तो हम सबको ही पता है। रोजाना ही हम कई सारे कार्टून्स और एनिमी देख लेते हैं, पर फिर भी हम में से बहुत से लोग अपने फेवरेट कार्टून्स एंड एनिमी के ऐसे बहुत रेयर कैरेक्टर को कभी देख ही नहीं पाते, जिनको सिर्फ कुछ एपिसोड्स या कुछ फ्रेम्स के लिए ही दिखाया जाता है। लाइक जब 1995 में डोरेमोन के क्रिएटर्स ने सारी कंट्रीज के लिए स्पेशल डोरेमोन वर्जन बनाया था, तो क्या उसमें कोई इंडियन डोरेमोन भी था? 1914 के दौरान टीवी पर कैसे मिकी माउस को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया था और उसकी जगह पर इस वाले न्यू माउस को इंट्रोड्यूस किया गया था? क्या जापान वाले शीरो के पास कोई हिडन सुपर पावर है? इन सब को आज हम इस मीम से भरे फन इंटरेस्टिंग वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 1, ओगी एंड द कॉकरोचेस। कार्टून वर्ल्ड के चीफ मिनिस्टर से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या तुम्हें कार्टून वर्ल्ड के मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पता? मुख्यमंत्री कौन है? ओगी आदित्यनाथ जी। इस मंत्री जी की एक जुड़वा बहन भी है मोनिका, जिसे ओगी के बहुत ही कम एपिसोड में दिखाया गया है। एंड अगर आप इसके बारे में जानते हो तो लिटरली बहुत ज्यादा कार्टून देखते हो तुम। मोनिका ओगी के बहन होने के साथ साथ जेक की लव इंटरेस्ट भी है एंड उसको फिजिकल चैलेंजेस करना बहुत ही ज्यादा पसंद है, लाइक स्काई ड्राइविंग, बंजी जंपिंग, और इसी वजह से उसको लगभग हर एपिसोड में स्केटिंग शूज पहने दिखाया जाता है। नंबर 2, स्पिनॉक्स। जैसा कि आपको शायद पता होगा, माइटी राजू एक स्पिनॉक्स कार्टून शो है छोटा भीम कार्टून का। ठीक ऐसे ही सुपर शीरो स्पिनॉक्स शो है सिंचेन का, जिसमें हमारे प्यारे भेड़ जैसा दिखने वाला शीरो डॉग अपने बेच के सबसे सुपर शीरो में बदल जाता है और कासू कैपेसिटी को बहुत सी मुसीबतों से बचाता है। हाँ, इसकी बेच में लिमिटेड ही सुपर पावर्स होती है, लाइक ये हवा में भी उड़ सकता है तो बस कुछ फीट तक ही, वो भी अपनी लिमिटेड स्पीड के साथ। बट फिर भी लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद भी शीरो अपने हीरो का काम टिप टॉप तरीके से करता है। अब अगर हमने सिंचेन के स्पिनॉक्स शो की बात कर ली है तो भला डोरेमोन के स्पिनॉक्स शो को कैसे भूल सकते हैं? 1995 में डोरेमोन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था 2112 द बर्थ ऑफ डोरेमोन, और यही वो मूवी थी जिसमें डोरेमोन के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। द डोरेमोन्स डोरेमोन शो का ही स्पिनॉक्स है, जिसमें 7-8 डोरेमोन जैसे दिखने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, जिनका लीडर हमारा प्यारा डोरेमोन ही होता है। हमारे डोरेमोन की टीम में डोरेमोन के बाद दूसरे नंबर पर आता है डोरा द किड, जो की एक अमेरिकन कोबॉय होता है जो की गन शूटिंग में काफी अच्छा होता है। और इन सभी डोरेमोन्स में सबसे स्मार्टेस्ट होता है बेन डोरा, जो कि कुंफू का भी मास्टर होता है। वैसे ये रशिया का डोरा नीचा होता है, जो कि किसी भी राउंड चीज को देखते ही भेड़िया में बदल जाता है। इसके बाद आता है 17th सेंचुरी के स्पेन से इल मोटा डोरा, और मिडल इज लाइक सऊदी अरेबिया से डोरा मेड। इसको जब गुस्सा आता है तब ये बड़े से जाइंट में बदल जाता है। अब लास्ट में ब्राजील से डोरा रिल्वो होता है, जिसको फुटबॉल खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है, और स्पेशली 11 मिनी डोरास को भी सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए अपने पास में रखता है। वाह, मतलब यहाँ डोरेमोन के क्रिएटर्स ने सारी कंट्री से कोई ना कोई कैरेक्टर को डाला है। फ्रांस से डोरापिन एंड इटली से जाय डोरा को भी इंक्लूड किया है। बस इंडिया के किसी कैरेक्टर को अपनी 1995 की मूवी में इंक्लूड करना भूल गए। वैसे डोरेमोन सिंचेन और छोटा भीम की तरह बहुत साल पहले अराउंड 1940s के समय मिकी माउस का भी एक स्पिनॉक्स शो टीवी पर आया करता था, जिसका नाम था माइटी माउस, और तब इसे शुरुआत में सुपर माउस भी बोला जाता था, क्योंकि ये एग्जैक्टली सुपरमैन की ही कॉपी लगता था, जो कि सुपरमैन की ही तरह उड़ सकता था। वैसे क्या तुम्हें पता है 1953 के दौरान मिकी के क्रिएटर्स उसके पूरे ही डिजाइन को चेंज करने जा रहे थे, जिसमें उसके सारे राउंड है जिसको पॉइंटी बनाने का आइडिया था, लाइक उसके नोज, ईयर्स, कॉस्ट्यूम सब चीजें। और ये मिकी थोड़ा ज्यादा जेंटलमैन टाइप होने वाला था, जो कि एक केप एंड कोट पहनकर चाचा चौधरी की तरह हाथ में एक स्टिक भी पकड़ता। किसी रीजन की वजह से इसे रियल मिकी माउस के साथ रिप्लेस नहीं किया गया, वरना आज हम मिकी को इन आइकॉनिक राउंड कानों के बिना कैसे इमेजिन कर पाते? मतलब ये तो वही बात हो जाती जैसा यूट्यूब को बनाना विदाउट लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन दिए बिना। सो इसीलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।